ये रही गाइस, ये हमारी रूपारानी है जिन्होंने बनाया ये ड्राइंग। नहीं इधर हमने ले लिया है। नमस्ते। क्या खराब होगा और अच्छा बन जाएगा? क्या क्या वहाँ पर तो आग भी लग गई थी। कहाँ पर? रावण के अंदर आग लग गई थी पूरी की पूरी। हाँ पूरा धुआं ऊपर तक नाक में गया। अच्छा। हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को जय माता दी, जय माँ शेरा वाली। माँ शेरा वाली सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। और अंश चला गया स्कूल हमारा, और कल हमारे चीफ गेस्ट भी चले गए थे, और अभी जाने वाली कौन है दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइज। बेबी कोई मिलने आए तुमसे, देखो ना बाहर। अरे वो चला गया। कहाँ गया? इधर ही है। देखो आवाज आ रहा है। सोने दे, सोने दे। आया मिलने, बोला हूँ आना आना कर रहा है। आना आना आ जाओ आना। तो देखिए गाइस, इधर ये बेबी है, अभी तैयार होकर ये भी जाएगी स्कूल, फिर इसकी मम्मी जाएगी स्कूल, फिर हम भी चले जाएंगे स्कूल। तो हम चारों में सबसे लेट इसकी मम्मी जाती है स्कूल, और सबसे पहले इसका भैया आता है, फिर मम्मी आती है, फिर बेबी, नहीं फिर बेबी आती है, फिर मम्मी आती है। नहीं सबसे पहले मैं आती हूँ। हाँ कल तो लेट आई थी। ओके देखते हैं। तो गाइस जिसने चैलेंज किया है आज ये पहले आएगी, तो देखते हैं आज कौन पहले आता है, ये इसकी मम्मी, मैं या इसका भैया, कौन आते हैं पहले। हम तो सबसे लेट ही आएंगे, मुझे पता है पहले से क्योंकि हम लेट जाते हैं। आज की बात, बड़ी बात, बच्चों के साथ। इनकी मम्मी चली गई है नानी घर, और ये देखिए बेबी अभी स्कूल से आ गई है। ये रही, क्या खा रही है बेबी? बता। कुछ चुरा चुरा के खा रही है, अचार खा रही है। देखिए मम्मी को, इसकी मम्मी को बताना पड़ेगा कि अचार खा रही है चुरा चुरा के। अचार क्यों खा रही है? हाँ बेबी क्या पूछ रहे हैं? अचार खा रही गाइस, देखिए कैसी बच्ची अचार खाती है, आपको दिख रहा है? क्योंकि अचार नहीं खाती तो पक्का बताती क्या खा रही है। अचार ही खा रही है इसलिए कुछ बता नहीं रही है। आप जान गए ना, यही अचार चुरा चुरा खाती है। एक बोतल ख़त्म हो गया अचार हमारा, है ना? अचार खा रही है ना। बिस्किट है। कौन सा बिस्किट है? दिखाओ दिखाओ, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास बिस्किट है? क्या प्रूफ है, दिखाओ जल्दी दिखाओ। अंदर चॉकलेट है। कहाँ? इसका डब्बा उब्बा तो होगा कुछ, कैसे ही है? डब्बा डुब्बा तो कुछ है नहीं, झूठ बोल रही है। दिखाओ दिखाओ मुझे। अच्छा ये बिस्किट, दिखाओ तो नाच से पकड़ के दिखाओ, उसमें तो दिख नहीं रहा है। अंकल लोगों को दिखाओ गाइज को। अच्छा हाइड एंड सीक, कौन लाया था ये चॉकलेट बिस्किट? मुझे नहीं पता, सुमन पापा लाए थे ना। ओके गाइज देखिए, दोनों मिलके बिस्किट खा रहे हैं। तो आज इनको गिफ्ट मिला था जो ख़त्म हो गया है आज, नहीं कल मिला था। कब मिला था? परसों मिला था, ख़त्म कर दिए। शाबाश, गुड, मजे लो चॉकलेट के। हाय गाइस, तो जैसा कि हमारे प्रभु श्री राम जो अयोध्या में निवास, मतलब उनका मंदिर बना है, तो हमारी जो पत्नी है रूपारानी, उनके जो टीचर हैं शिक्षक, उनकी माँ और वो लोग भी गए थे पूरा परिवार दर्शन के लिए, और वो लेकर आए हैं हमारे लिए भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो देखिए गाइस, इसमें प्रसाद है जो हमें मिला है, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आ गया है हमारे पास अयोध्या धाम से, तो अभी हम लोग मिलकर सुख ग्रहण करेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली और सीताराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलो सियावर रामचंद्र की। अब बोलो तुमको क्या बोलना है। पता है क्लास में
राम जी का वो डांस हुआ था, फिर पता है रावण में आग लगाई थी राम जी ने। रावण को मारा था ना, इसलिए उसमें आग लगाते हैं उनके पुतले। गाइस तो आप सभी को नवरात्रि दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग का अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सपोर्ट करें हमें, हमारे ब्लॉग को बहुत से बहुत प्यार दें। तो भाई जब ऊपर आने आएंगे तो हम दिखाएंगे आज क्या वो क्लास में करके आई हैं, सब बताएंगे आपको। और क्या वहाँ पर तो आग भी लग गई थी। कहाँ पर? रावण के अंदर आग लग गई थी पूरी पूरी। हाँ? पूरा धुआं ऊपर तक, नाक में, नाक में सबके नाक में गया। अच्छा सच्ची आज हुआ था स्कूल में? ओके भाई, इसके स्कूल में भी फंक्शन हुआ था दशहरा का, कैसे रावण का दहन होता है तो वो सब भी दिखाया गया है। देखिए प्रभु श्री राम के धाम से प्रसाद आया हमारे लिए, अभी इसको हम ग्रहण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भगवान हमारा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें और हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सहने की क्षमता दें और हमें हमेशा आप लोग सपोर्ट करते रहें। मैंने तो ग्रहण कर भी लिया। किसका नाम लेकर? किसी का नाम नहीं, भगवान का नाम नहीं लिया। जय श्री राम। ये लोग दोनों बच्चे हमारे भगवान का नाम लेके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ना बेटा। एक बार बोलो जोर से, बोलो जय माता दी, जय श्री राम, श्याम रामचंद्र की जय, श्याम रामचंद्र की जय। तो भाई अभी हम चल दिए रोपा लाने को, लाने उनकी हो गई छुट्टी, बोला आने के लिए। हमने ले लिया है। ये सर जा रहे हैं उनके, और देखिए मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। आगे दोनों? हाँ दोनों आगे बच्चे। नहीं इधर एक आपके लिए, एक दीदी के लिए ना। बाय मिस्टी, टाटा, सी यू, बाय बाय, वेलकम। रूपा रानी आ गई हैं अपने क्लास से, और देखिए आते ही भगवान श्री राम के प्रसाद को ग्रहण करने लगी, टूट पड़ी उस पर। हम लोग पहले ग्रहण कर चुके हैं और दोनों चिलगोजर देखिए उधर लगे हैं पिक्चर देखने में, और इधर ये प्रसाद ग्रहण करने में। आज क्या किया आप क्लास में? फिर से एप्पल बनाया। इस बार एप्पल के ऊपर आगे पीछे क्या हुआ? और राम जी का क्या किए? चप्पल बनाया। फेस, राम जी का फेस बनाई है। देखिए रूपा जी ने आज क्या बनाया है, टंटन आन खुल रहा है अभी, और ये रहा आज का। देखिए गाइस कैसा लग रहा है आपको एप्पल?
मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बाकी गाइस लोगों को पता नहीं कैसा लगेगा, कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है और बताएं इसमें और क्या सुधार हो सकता है। अभी ये बना नहीं, अभी और करना है, ये वाला बन गया। ओके गाइस, देखिए हमारी रूपारानी लगी है अपने होमवर्क पूरा करने में, और आप बताएं कैसा लग रहा है आपको देख कर होमवर्क, कितना मस्त होमवर्क बना रही हैं। देखिए गाइस, कितना सुंदर एप्पल बनाई है, आपको कैसा लग रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं आपको? बिल्कुल सेम बनाना है ना ऐसे, ये और डार्क हो गए। देखिए इनकी कलाकारी, देखिए हमारी आर्टिस्ट जो हैं रूपा रानी, दुर्गा जी का चित्र, दुर्गा माँ का सुंदर अभी कलर हो जाएगा तो अच्छा लगता है। क्या खराबी होगा और अच्छा बन जाएगा क्या? और देखिए चिड़िया संतरा खाने में लगी है, और अंश क्या कर रहा है पानी की बोतल लेके, ओके। हमारी आर्टिस्ट रूपा रानी का देखिए नया अवतार, मैं दूसरा अवतार, कभी खाना बनाने आई है बेचारी अपना ड्राइंग करते करते उसके बाद हम भी चलते हैं। ये देखिए डॉगी का खाना है, इसमें चावल है और दूध है, जा रहे हैं नीचे, तीन बच्चे हैं मतलब डॉगी हैं, उनको बेजुबानों को खाना खिलाने हमारे भरोसे बैठे रहते हैं, दिन भर के ले जा रहे हैं, तीन हैं, तीनों को धक्का दे देंगे वो भी खुश हो जाएंगे। तो गाइस देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे, इनका भी हम भोजन करा रहे हैं, एक ये देखिए, दूसरा खा 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 खा, जो ये डरता है तो ये थोड़ा ज़्यादा देर डरता है, और ये किया है तीन, तो ये तीनों को हम भोजन कराते हैं रात में, खा 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 खा, ताकि इनको भी भूखा ना रहना पड़े रात में। आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये सेवा बताइए कमेंट में। भाई देखिए रूपा जी क्या लगे हैं बनाने में, दुर्गा माता कितनी सुंदर तस्वीर है दुर्गा माता, आपको कैसी लगी है तस्वीर कमेंट जरूर करें। देखिए कितनी सुंदर लग रही है माँ, ऐसे भी दशहरा का टाइम है नवरात्रि का, तो माँ भी प्रसन्न हो जाएंगे कि भाई चलो कोई तो है मेरी भक्त जो आर्टिस्ट है अपने हाथों से बनाई है। गाइस देखिए अभी रूपारानी लगी है दुर्गा माँ के तस्वीर को पूरा करने में, अभी इसमें क्या क्या कीजिएगा और डिजाइन कीजिएगा, ओके। देखिए कितना सुंदर बना है, हाँ सिरा वाली ऐसे ही इनकी आर्ट को निखारते रहें, इन पे कृपा बनाए रखें, हो गया। तो गाइस देखिए दुर्गा माँ हाँ दिख रहे हैं, आखिरकार दुर्गा माँ रेडी हो गई बनके। लाइट ज़्यादा कर रहा है।
सभी को शुभ रात्रि। और हमारा रात्रि भोजन आ चुका है और पूरी परिवार के साथ हम लोग भोजन कर लुक चुका है। हाय गाइस, सभी को शुभ रात्रि और माँ शीरा वाली सबसे आशीर्वाद बनाए रखें। अभी हम लोग खाना आधा खा चुके हैं, हमारा रात्रि भोजन आया था तो हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम लोग टूट पड़े और आधा भोजन हमने ख़त्म कर दिया है। देखिए पूरी फैमिली मिलके टूट पड़े हैं इसका, और दिखाते हैं आपको खाने में क्या है। आज में है रोटी, चटनी, ये हमारे इधर बोलते हैं नेन नेनुआ का सब्जी, तोड़ी भी बोलते हैं, और ये लौकी का सब्जी, और ये दही चीनी। हम लोग आधा खा चुके हैं, आधा बचा है वो खा रहे हैं। भाई जी आप लोग भी पूरे परिवार के साथ पूरे प्रेम पूर्वक रहें और भगवान का नाम लेके अन्न को ग्रहण करें और उसका रिस्पेक्ट करें। भाई जी फिर अभी आप सभी को शुभ रात्रि, जोर से बोलो जय माता दी, माँ शीरा वाली की जय, माँ शीरा वाली की जय, माँ शीरा वाली की जय।